बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से भाई मैं लाइव हूं आपके साथ और आपको दे दूंगा आज की एक अपडेट। अपडेट भाई ये है कि जैसा कि आप सब भाइयों को पता है, सऊदी अरब में ट्रैफिक वायोलेशन के जुर्मानों में रोज़ बरोज़ इजाफा किया जा रहा है और कुछ जुर्माने ऐसे भी मुतारफ करवाए जा रहे हैं जिनमें सरफरिस्त मैं इसी को बोलूँगा कि जो हालिया ही मैंने आपके साथ एक न्यूज़ भी शेयर की थी कि अगर आप कहीं भाई मेन रोड पैदल क्रॉस करते हैं ज़ेब्रा क्रॉसिंग के अलावा, तो दूसरी तरफ अगर कोई ब्रिज वगैरह है उसे भी नहीं यूज करते हैं, तो आप रोड क्रॉस ऐसे ही क्रॉस कर देते हैं तो आपको अगर पकड़ लिया गया तो 2000 रियाल तक का फाइन हो सकता है। तो अभी भाई एक नया जुर्माना मुतारफ करवा दिया गया है। मेरे तमाम वो भाई इस न्यूज को जरूर सुने जो सऊदी अरब में लोडर का काम करते हैं, यानी कि जिनके पास डैम्पर हैं, सिक्सर हैं, टेन व्हीलर हैं, या बड़े भाई जो लोडर होते हैं जो मिट्टी वगैरह या जो और भी कचरा वगैरह उठाते हैं कहीं फेंकने के लिए, बल्दिया में फेंकने जाते हैं, तो वो तमाम भाई जरूर सुन ले। आप सब भाइयों को शायद मैं अभी न्यूज और तस्वीर भी दिखा रहा हूं इसके मुतल्लक कि पहले तो आपको पता था कि आप जब मिट्टी वगैरह या कचरा वगैरह लोड करते थे तो उसके ऊपर आप एक तरपाल या चादर वगैरह डालते थे अपने भाई पूरे कंटेनर या गाड़ी के ऊपर, कि वो हवा के जरिए उड़े ना और पीछे आने वाली गाड़ियों को डिस्टर्ब ना करे। तो अभी भाई ये भी अनाउंसमेंट कर दी गई है कि जैसा कि आपने तस्वीर में देख भी लिया है कि अगर आपने भाई एक मिसाल के तौर पर रेत लोड की हुई है आपने अपनी गाड़ी में और आप रेत लेकर कहीं जा रहे हैं, तो आपके गाड़ी के साइड पर कहीं सुराख है या पीछे से ऐसे ऐसे वो खला बना हुआ है जहां से वो रेत भाई नीचे गिर रही है रोड के ऊपर, तो आपको भाई इसका भी फाइन होगा अभी सऊदी अरब में। तो फाइन की लिस्ट पहले मैं आपको बता दूं, ये 500 रियाल से लेकर 900 रियाल तक आपको जुर्माना होगा। अगर आप बहस मुबहस करेंगे तो फिर 900 तक कहीं होगा, वरना 500 तो भाई कंफर्म है, 500 तो 500 से नीचे आपको जुर्माना नहीं होगा। और दूसरी बात, आपकी गाड़ी भी भाई कब्जे में ली जाएगी और उसे बंद कर दिया जाएगा उस वक्त तक जब तक जितने भाई रोड के ऊपर आपने वो कचरा अपना फैलाया हुआ है ना, ये गिराया हुआ है, उसे साफ नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर आप 1 किलोमीटर का सफर कर गए हैं, 1 किलोमीटर तक पीछे आपने भाई वो आपकी रेत या कोई और भी कचरा है वो गिरा हुआ है, तो 1 किलोमीटर तक आपको रोड साफ करना होगा अच्छे से, और 500 से 900 का आपको जितना फाइन होगा वो भी पे करना होगा, आपकी गाड़ी भाई फिर छोड़ी जाएगी। तो सऊदी अरब में तमाम ड्राइवर भाई मुहतात रहें। अभी ड्राइवर के मुतलक आप सब भाइयों को पता है सऊदी अरब में रोडों के ऊपर गाड़ियां वगैरह चलाने बहुत मुश्किल होंगी है, जुर्मानों में भाई रोज़ बरोज़ इजाफा किया जा रहा है। सऊदी अरब के मुतलक आपको कोई भी और न्यूज़ जाननी हो मुझे कमेंट कीजिएगा। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।